निलंबित सांसदों को लेकर विपक्ष के विरोध का केंद्र सरकार ने भी जवाबी पलटवार किया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदार बताया है। इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। राज्यसभा में अमर्यादित आचरण के आरोप में निलंबित विपक्षी सांसदों के मुद्दे पर सत्तापक्ष विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने लगा है। विपक्ष के मार्च को लेकर केंद्र सरकार ने जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि सदन में राहुल गांधी चर्चा नहीं करते और बाहर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। सदन चल रहा हो तब भी चर्चा में भाग नहीं लेते, सदन से भागने का प्रयास करते हैं और झूठ बोलने की उनको आदत है। जहां एक और लोकसभा राज्यसभा में प्रश्नकाल से लेकर बाकी बिल्स पर चर्चा हो रही है, वहीं पर कुछ लोग देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि वो उस सदन को अपमानित करते हैं जहां पर उनके परिवार के एक नहीं चार चार पीढ़ियों को आने का अवसर भी मिला। वो सदन के अंदर समय कम और बाहर ज़्यादा लगाने का काम करते हैं और रिकॉर्ड कहता है। जहां तक दिन में बिल पास करने की वो बात करते हैं तो मैं खुली चुनौती देता हूं, यूपीए के कार्यकाल को देखिए, उस समय दिन में ना केवल बिल पास होते थे बल्कि ऐसे बिल पास हुए जहां पर राज्यों को बनाने का काम किया गया, वहां पर उठाकर सांसदों को हाउस से बाहर फेंक दिया गया। मोदी जी की सरकार में 7 वर्षों में हर विषय पर, हर मुद्दे पर गहराई से, गंभीरता से, जिस पर भी चर्चा करनी चाहिए हमने चर्चा की है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्ष के मार्च पर हमला बोला। प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद में विरोध तो हमने भी किया है, लेकिन टेबल पर नाचकर, टीवी स्क्रीन फेंककर, किताबें आसन पर फेंककर नहीं, माइक तोड़कर या आसन पर सवाल उठाकर हमने कभी विरोध नहीं किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष को निलंबित सांसदों के आचरण पर कोई अफसोस नहीं है और ना ही वो कोई प्रायश्चित करना चाहते हैं। उठा के फेंक देने का, बुक चेयर के ऊपर फेंकने का, टेबल पर नाचने का, टेबल नाचने के लिए नहीं रहता जी, माइक तोड़ने के लिए। हम कभी भी चेयर पे पर इल्जाम नहीं लगाए थे। वी हैव नेवर शोन फिंगर एट द चेयर व्हेन वी आर, यू कैन चेक द रिकॉर्ड्स। हम भी इतने दिन अपोजिशन में थे, हम ज्यादा अपोजिशन में ही थे, इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि वेल में आए, इसलिए हम सब आज भी वेल में थे, हमने सस्पेंड नहीं किया। वेल में आए, प्रतिरोध व्यक्त किया, इसलिए हम सस्पेंड नहीं किया है। सस्पेंड मार्शल पे हल्ला हुआ, सस्पेंड टेबल पे नाचने के लिए हुआ, सस्पेंड जो टीवी स्क्रीन उठा के फेंकने के लिए सस्पेंशन हुआ है, बुक हमारे ऊपर भी फेंका, चेयरमैन के ऊपर, चेयर पे ऊपर भी फेंका, इसके लिए सस्पेंशन हुआ, इसके लिए पश्चाताप व्यक्त करना जरूरी है। इसी के साथ विपक्ष के मार्च पर हमलावर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद में मार्च करने का नाटक करने वाले लोगों को देश की जनता पहले ही दो दो बार मार्चिंग ऑर्डर दे चुकी है और तीसरी बार भी देगी। यदि ये लोग हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला व्यवहार आगे भी जारी रखेंगे तो जनता इन्हें एकदम जीरो कर देगी। मैंने सुबह भी कहा हूँ, वो तो मार्च, उनको ऑलरेडी मार्चिंग ऑर्डर ने लोगों ने दो बार दिया है और तीसरी बार भी देने वाला है। अगर ऐसे करते तो पूरा जीरो कर देंगे लोग। हम तो सबसे बात कह है, आपने कृपया माफी मांगो, रिग्रेट व्यक्त करो, अंदर आ जाओ, हम सबको कहा है ना, वो जब बिल आएंगे तब बात करेंगे ना, अभी तो बिल आए ही नहीं है। इससे पहले 12 निलंबित सांसदों की बहाली की मांग को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे से नाराज सभापति वेंकैया नायडू ने कड़ी नाराजगी जताई है। विपक्ष के शोर शराबे पर सभापति ने कहा कि इस तरह सदन नहीं चल सकता है। सभापति ने निलंबित सदस्यों के अमर्यादित आचरण का विस्तार से एक बार फिर जिक्र किया है। सभापति वेंकैया नायडू ने हैरानी जताते हुए कहा कि जिन लोगों को अपने किए पर पछतावा होना चाहिए वो अब भी जीत पर अड़े हुए हैं, ये उचित नहीं है। सदन के वेल में आना, टेबल पर चढ़ना, कागज फेंकना, मंत्री के हाथ से कागज छीनना और चेयर को चुनौती देने जैसी हरकतें असंसदीय और अलोकतांत्रिक हैं। इस पर भी उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है, इस पर हम क्या कर सकते हैं। जाहिर है निलंबित सांसदों के मुद्दे पर राज्यसभा में लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है तो वहीं लोकसभा में भी इस मुद्दे पर लगातार हंगामा जारी है। ऐसे में इस मुद्दे पर आगे भी टकराव के पूरे आसार हैं।
कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।